केजरीवाल ने नोटबंदी के विरोध में रैली की। हमारे साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नोटबंदी लागू करने का ना तरीका सही है और ना इसके पीछे की नीयत साफ है। ये करोड़ों का घोटाला है जिसमें अरबपतियों को फायदा हो रहा है और किसानों की जान जा रही है। तो मेरठ में इस समय मौजूद है अरविंद केजरीवाल की, यहाँ पर रैली थी नोटबंदी पर। अरविंद जी बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, कैसी रही आपकी रैली? रैली बहुत अच्छी थी और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देश की जनता को अपील करना चाहता हूँ। रैली में हमने सारा समझाया कि ये नोटबंदी आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। हमने समझाया कि किस तरह से जो लाइनों में लग लग के आप पैसा जमा करा रहे हैं, वो पैसे से बड़े बड़े अरबपतियों का कर्जा, 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जाएगा। वो कर्जा वो खा चुके हैं, वो पैसा वो गबन कर चुके हैं, वो पैसा उनको। तो आज हमने समझाया कि ये जो इतने बड़े बड़े अरबपतियों का मोदी जी कर्जा माफ कर रहे हैं, मोदी जी का क्या रिश्ता है इन अरबपतियों के साथ? आज एक भाई भाई का काम नहीं करता तो कहीं बहुत बड़े स्तर पे पैसे का लेन देन तो नहीं हो रहा और जनता बेवकूफ़ बन रही है? तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि टीवी चैनलों की अपनी मजबूरियाँ हैं, कई मजबूरियों की वजह से वो सब कुछ नहीं दिखा पाते। हमारी रैली की सारे कागज़ों के साथ आज हमने खुलासा किया है, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइएगा और उसका खूब सोशल मीडिया के जरिए हम पूरे देश में प्रचार करते हैं। जनता सबसे ताकतवर है, मीडिया से भी ताकतवर है, नेताओं से भी ज्यादा ताकतवर है, आप लोग इसका खूब प्रचार कीजिए। अरविंद जी, आज मैंने युवाओं से बात की, एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ युवा ऐसे थे वो ये कह रहे थे कि भाई हम कैस्ट सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। एबीवीपी वाले थे? नहीं, पूछना चाहिए था। नहीं, मैं चौधरी चरण सिंह, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां गई थी। आज इस देश के अंदर हर आदमी दुखी है, सारे दुखी हैं जी। जो जो लोग नोटबंदी के पक्ष में है जरा हाथ खड़े करो। ये आप वाले हैं? ना ना, ये जनता है जी, ये आप वाले, इतने सारे लोग, तीन लोग हैं, सब लोग परेशान हैं। मेरे युवाओं को बता दीजिए, मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके पिताजी का काम धंधा बंद हो रहा है, मैं बहुत युवाओं को जानता हूँ, हमारी पार्टी में एक लड़का काम करता था, उसके पिताजी का सब कुछ रातों रात सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उनका सारा, ऐसा नहीं कि वो 2 नंबर का काम करते थे, उनका सारा काम ही कैश में होता था, वो कैश में लेते थे, कैश में बेचते थे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते थे, साल के अंत में इनकम टैक्स फाइल करते थे। अब सारा सब कुछ जीरो हो गया। तो अगर मैं ये मानूं कि युवा बड़ा खुश है, कैशलेस इकोनॉमी आ जाएगी, वो कह रहा है मैंने किसी तरह से अपने पिताजी को आत्महत्या करने से बचाया है, सर आप ये मैं मान ही नहीं सकता। तो ये जो भी लोग, अगर 2-4 लोग अब बचे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरे को ये समझा दो कि किस तरह से इससे काला धन खत्म हो रहा है। अब तो मोदी जी ने 50-50 की स्कीम भी ला दी, मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार करो, खूब जम के रिश्वतखोरी करो, 50% मेरे को दे दो, 50% खुद रखो, सफेद हो गया। आप लोग नशा बेचो, जितना 10 करोड़ रुपए आए 5 करोड़ मोदी जी को दे दो, 5 करोड़ रुपए खुद रखो, सफेद हो गया। आतंकवाद में पैसा कमाओ, आधा मेरे को दे दो, आधा खुद रखो, ऐसे काला धन खत्म होएगा, ऐसे भ्रष्टाचार खत्म होएगा। आपका ये सवाल है, लेकिन अगर ये कहते हैं कि भाई आगे की जो जनरेशन है वो पैसे से कम डील करेगी, काला धन भी बचेगा, बहुत अच्छी चीज है। हाँ। ऐसे थोड़ी होता है रातों रात। अच्छा। कि एक दिन रात को 500-500 1000-1000 के। हाँ। आप लोग बार बार उस पे आते हैं, तरीका सही नहीं है। हाँ। नीयत तो, नीयत भी खराब है, हम ये तो कह रहे हैं नीयत भी खराब है, नीयत काला धन कम करने की नहीं थी। नीयत अगर काला धन कम करने, नीयत 8 लाख करोड़ रुपए के अरबपतियों के लोन माफ करने की नीयत है, नीयत भी खराब है, तरीका भी खराब है। आप तो खुद पैसे को समझते हो, आम आदमी के लिए कैसे ये आराम से किया जा सकता था? अगर आपकी सोच, आप तो दूरगामी सोचते हो। मोदी जी के पास एक फाइल है, स्विस बैंक की फाइल है, मैंने देखी है। 2011 में स्विस बैंकों की 648 लोगों की लिस्ट आई थी भारत सरकार के पास, उसमें देश के सारे अरबपति लोगों के नाम है उस लिस्ट के अंदर। मैंने 3-4 के अकाउंट नंबर भी बताए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। 648 लोगों में से 100 लोगों को जेल भेज दे शाम तक मोदी जी, देखो काला धन कम ना हो जाए। बट ये भी काला धन तो कम, जो लोग काला धन, आज अभी अभी आया मुकेश अंबानी जी ने स्वागत किया इनकी स्कीम का, अडानी ने स्वागत किया है, विजय माल्या ने स्वागत किया है। हार्ट अटैक किसको हो रहा है? किसान को हो रहा है। हार्ट अटैक किसको होना चाहिए था? अमीरों को हार्ट अटैक होना चाहिए था, अमीर तो स्वागत कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अरविंद जी, जब सत्ता में विपक्ष भी रहते हैं तब आरोप लग जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हो तो मुश्किल हो जाती है। अब ये सरकार का ये कहना है कि वो जो लिस्ट है विदेशों में काले धन की, भाई वो और सरकारें हैं वो कैसे फिर डील करेंगी? मतलब
उनका यही कहना है कि जैसे कांग्रेस ने भी यही कहा था, आप बीजेपी भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस भी मिली हुई थी उनके साथ, आप भी दिल्ली में आ गए ना शीला दीक्षित के खिलाफ, क्या हमने जो एफआईआर की, चार केसेस की एफआईआर की, एसीबी जब मेरे पास थी मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर की, इस देश के अंदर हिम्मत नहीं है मुकेश अंबानी का अपने मुंह से नाम लेने की, हमने मुकेश अंबानी की बाय नेम मैंने ऑर्डर करके एफआईआर कराई है, एसीबी दे दो आज मेरे को, एसीबी छीन ली मोदी जी ने मेरे से, एसीबी दे दो, शीला दीक्षित और मुकेश अंबानी दोनों जेल जाएंगे। मैं अंत में आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये लोगों की पीड़ा कैसे कम हो, अगर ये बंद करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, नोटबंदी ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा घोटाला है, कांग्रेस उसने 2G का घोटाला किया 2.25 लाख करोड़ का, कोयले का घोटाला किया 2 लाख करोड़ का 10 साल में, इन्होंने तो 2 साल के अंदर 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, जनता पिस रही है, जनता मर रही है, देश को एक साथ 20 साल पीछे ले गए मोदी जी, सबके सबका धंधा बंद हो गया, सारे लोगों का धंधा बंद हो गया। जीएसटी पे, जीएसटी पे अभी काउंसिल की भी बैठक होने वाली है, अब कहा जा रहा है क्या वो जीएसटी पे मनीष बताएंगे, मनीष अटेंड करते हैं उनकी मीटिंग। नहीं आप बताइए, आप तो सीएम हमारे, आप बताइए जीएसटी पे आपको क्या लगता है, अगर मनीष यू वांट टू पुट इन अ बाइट आप बता दो कि क्या आपको लगता है जीएसटी से डिरेल होगा, क्या होगा, या जीएसटी पे से और आसानी हो जाएगी, थोड़ी अड़चन है अभी। जीएसटी एक अच्छी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर मोदी जी या कोई भी ये सोचे कि कैशलेस जीएसटी आ जाएगा, इस देश में धोबी के पास, सब्जी वाले के पास, यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, इनके पास आते हैं, जहाँ ढाबा में आते हैं लोग खाना खाने, ये कैशलेस इकोनॉमी से जीएसटी चलेगा, अगर जीएसटी हो या वैट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम होगा, लोगों का कन्फ्यूजन दूर होगा, उस वो कॉन्सेप्ट जीएसटी की ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो जीएसटी कैशलेस इकोनॉमी लेके आ रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। और कह रहे हैं शादी, मतलब अब कार्ड से शादी करो, टेंट वाला कार्ड से पैसे लेता है, क्रॉकरी वाला कार्ड से पैसे लेता है, फूल वाला कार्ड से पैसे लेता है, हवन के दौरान ज्योति को जो पैसे देते हो वो कार्ड से देते हो, आप अपने वो सालियां जूता चोरी कर लेती है उसको कार्ड से आप पैसे दोगे, मतलब ये अभी जेटली साहब की बेटी की शादी हुई थी, वो बताएं उन्होंने कैश में कितनी पेमेंट करी थी और उन्होंने कार्ड से कितनी पेमेंट करी थी, अभी उनकी शादी हुई है महेश शर्मा, वो बताएं कि कितनी कार्ड में कितनी चेक से पहले हो गए सारी, मतलब वो हवन जब हो रहा था तो वो चेक दे रहे थे पंडित को, वो हमें मतलब हमें कह रहे हैं तुम अपनी बेटी की शादी 2.5 लाख रुपए में करो और उनके दोस्त रेड्डी करते हैं 500 करोड़ में, तुम्हारी बेटी की शादी होगी 500 करोड़ में, हमारी बेटी की शादी होगी 2.5 लाख रुपए में, हमारी बेटियां फालतू हैं घर से, तुम अपनी बेटी की, मैं आज मोदी जी को चैलेंज कर रहा हूँ, सारा बलिदान सारा त्याग इस देश की जनता करे, आप अपने सारे सांसदों को आज कह दो मोदी जी कि सारे सांसद अब जो उनके घर में शादियां होंगी 2.5 लाख रुपए में होंगी, हम अपनी बेटियों की 1.25 लाख में करके दिखा देंगे, लेकिन तुम तो करो शादी 500 करोड़ में और हम करें 2.5 लाख रुपए में, हम ही फालतू हैं इस देश के अंदर। मोदी जी से कहूंगा थोड़ा सा त्याग आप भी करो, इस देश की जनता मर रही है, कट रही है, पिस रही है, आप तो एक दिन में 4-4 ड्रेस बदलते हो, बड़े बड़े जहाजों में घूमते हो सारी दुनिया और हम मरे यहाँ पे, हमारे घर में खाने को भी नहीं है, आप भी अपनी ड्रेस जो है दिन में एक बदला करो। अरविंद केजरीवाल, आट इज बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी रैली, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आपका भी धन्यवाद।